नाज़रीन, इस वक्त हम नवाब शाह में मौजूद हैं। सिवाय सड़क के हमारे राइट और लेफ्ट सिर्फ पानी है, और देखें सिर्फ सड़क की सतह से एक फिट नीचे भी नहीं होगा, सारा पानी पूरे गांव के गांव डूबे हुए हैं। आपको मैं दिखाऊं, यहाँ नकल व मकानी के लिए कोई यहाँ पे रास्ते मौजूद नहीं है, सड़कें ख़त्म हो चुकी हैं। आदमी एक शहर एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए देखें पूरे घुटनों तक भी नहीं, पूरी पूरी टांगों तक उनका पानी है। वो देखें, और वो देखें थोड़ी सी झुग्गियाँ जो हमें नज़र आ रही हैं, झोंपड़ियाँ, उनकी सिर्फ छतें हमें दिख रही हैं। सब कुछ डूब चुका है, सिर्फ छतें यहाँ पे मौजूद हैं। और ये सिर्फ एक हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ, सड़क के दोनों जानेब यही सूरत हाल है। सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, पूरी फसलें ख़राब हो चुकी हैं। कपास की फसलें थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, केले की फसलें आई थी वो पूरी ख़राब हो चुकी थी। दोनों तरफ पानी ही पानी हमें दिख रहा है, और ये गांव के गांव डूब गए। ये तो हम बिल्कुल रोड से बिल्कुल जो नज़दीक गांव है वो हम आपको यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। जो अंदर की तरफ जो इतने ज़्यादा गांव है वहाँ तक तो किसी की रसाई भी नहीं है, और आगे चल के तो बोट्स चलती हैं। अभी बोट पे भी हम सफ़र करेंगे तो आपको उसकी भी अपडेट देंगे कि वहाँ से लोग कैसे आते जाते हैं, क्योंकि एक बोट यहाँ पे मौजूद है और वो भी एक दिन में चलती है और फिर छोड़ने के लिए एक दफ़ा रात में जाती है। उसमें 8 से 10 लोग बैठते हैं, बाकी लोग यूँ ही ट्रैवल करते हैं पैदल सफ़र कर कर। ये देख सकते हैं आप कि लोग पूरी टांगों तक पानी है, जो अपनी नकल व मकानी के लिए वो अपनी टांगों का सहारा लेके कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ना बोट है, ना कोई इमदाद है, ना कोई कैंप नज़र आ रहा है कि इनकी मदद के लिए है। और जहाँ जहाँ हम गए हैं रास्ते में हमें कोई सरकारी या कोई एनजीओ की तरफ से हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। अब वल्लाह आलम जो इतनी एनजीओस काम कर रही हैं, कहाँ वो इतनी दूर दूर काम कर रही है जिन्हें करीब के ये सिंध का बिल्कुल इंटीरियर का नज़र ही नहीं आ रहा है। अभी इस वक्त नवाब शाह में हम मौजूद हैं, हम ऑल द वे पूरी चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं। थोड़े से हमें कैंप नज़र आए हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने बेयारों मददगार ही लोगों को देखा है। यहाँ पे बताया जाता है कि 5 गांव इस तरफ थे और 7-8 गांव उस तरफ थे जो पूरे डूब चुके हैं। छोटे छोटे गांव थे, सब डूब चुके हैं।